जीएन स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये उस जमाने का किस्सा है जब जजीरा अरब कबीलों में बटा हुआ था। हर कबीले का एक सरदार होता था। इन्हीं सरदारों में से एक कबीले के सरदार ने एक बैल पाला हुआ था। ये बैल उसे बेहद अजीज था। सरदार ने उसे बिल्कुल खुला छोड़ रखा था। वो जहाँ जाता, जिस खेत में चाहता घुस कर फसल को खाता और कभी यूं ही बेमकसद उजाड़ कर रख देता। किसी की भी जुर्रत ना थी कि उसे रोके या मना कर सके, या कम से कम सरदार तक इसकी शरारतों की शिकायत ही पहुंचा दे। सभी जानते थे कि सरदार को भी इसका इलम है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इसके अजीज बैल की बुराई इसके सामने करे। लोगों ने सब्र किया, बहुत सब्र किया, लेकिन आखिर कब तक? रफ्ता रफ्ता लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। इधर वो बैल आज़ादी से खा कर खूब डेल डोल वाला मोटा ताज़ा हो चुका था। जो भी उसे देखता इसके करीब आने की जरूरत न करता, और ये बैल की जिसामत की वजह से नहीं बल्कि सरदार के खौफ की वजह से था। इसी शहर में एक मामूली शक्लो सूरत वाला दुबला पतला लेकिन शेर दिल बहादुर आदमी रहता था। इसका नाम आदिल था। वो खतरनाक हालात में भी घबराता नहीं था। एक रोज इस शख्स ने बैल को गाफिल पाकर इस पर काबू पा लिया और एक वीरान जगह ले जाकर उसे ज़िबा कर दिया। फिर इसकी खाल और आलाइशों को जमीन खोदकर दफन कर दिया और गोश्त समेट कर अपने घर ले आया। बीवी ने गोश्त देखा तो पूछा, ये कहाँ से लाए हो? इस पर आदिल बोला, इस गोश्त की एक कहानी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताई तो ये बात फैलने का अंदेशा है और इसमें मेरी जान जाने का खदशा है। इस पर बीवी ने इत्मीनान दिलाया और वादा किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। लिहाजा इसके शोहर ने तमाम किस्सा कह दिया। तमाम बातें सुनने पर बीवी की आंखें दहशत से फट गईं कि अब क्या होगा। जबकि शोहर सुकून से बाहर की खबर लेने निकला, इसने देखा कि लोग बैल के मरने पर खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बैल को ख़त्म करने वाले का पता चल जाए तो उसे इनाम से नवाजें, लेकिन इस शर्त पर कि सरदार को पता ना चले। इधर सरदार ने तमाम वजीरों मुशीरों को जमा किया और दिलों में गैरत की आग भड़का देने वाली एक तकरीर की और कहा कि जिसने आज एक बैल को हलाक करने की जुर्रत की है, कल वो किसी और की जान भी ले सकता है। अगर बगैर सजा दिए छोड़ा गया तो वो दूसरों के लिए फितना और फसाद की राह खोलेगा। अब आप सब मुजरिम को तलाश करें, अगर आसमान पर भी हो तो किसी तरह नीचे उतारें। जब तक मुजरिम को इबरतनाक सजा ना दी जाएगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तमाम अफराद बहुत मुतासिर हुए और मुजरिम की तलाश में पूरी कोशिश करने लगे। सरदार ने इनको सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी थी, जो आखिरकार ख़त्म हुई और नतीजा नाकामी की सूरत में निकला। सरदार इस सूरत हाल से मजीद बिफर गया। अब इसको एक नई तरकीब सूझी। इसने एक अयार बुढ़िया को बुला भेजा, जो अपनी चालाकी और अयारी के लिए मशहूर थी। सरदार ने इसको बहुत से इनाम का लालच देकर मुजरिम की तलाश में रवाना किया। बुढ़िया ने सामान बेचने वालियों का सा भेस बदला और एक रोज़मर्रा के सामान से भरी जंबील थामे गली गली फिरने लगी। सामान बेचते बेचते वो इस शख्स आदिल के घर भी जा पहुंची। इसकी बीवी को सामान बेचकर वो बोली, मेरी एक लड़की है, उसे बैल का गोश्त खाने का बहुत जी चाह रहा है। मैं तो बाजार में मारी मारी फिरी, मगर कहीं मिल ना सका। अगर ये गोश्त जिसके पकने की खुशबू आ रही है बैल का गोश्त है, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा मुझे दे दीजिए, लेकिन अगर ये गाय का है तो फिर ज़रूरत नहीं। औरत ने कहा, क्यों नहीं बड़ी अम्मा, मैं तुम्हें बैल के गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा देती हूँ, जो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी दोनों के लिए काफ़ी होगा। इस पर बुढ़िया ने पूछा, मैं कई दिनों से बैल के गोश्त की तलाश में बाजार के चक्कर काट रही हूँ, मगर मुझे कहीं ना मिला, आखिर तुमने कहाँ से लिया? इस पर औरत बहुत सटपटाई और इससे कोई जवाब ना बन पड़ा। बुढ़िया दोबारा बोली, बेटी मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, मेरा ये सवाल करने से कोई गलत मकसद नहीं है, मैं तो बस वो दुकान जानना चाहती हूँ ताकि अगली बार मैं भी वहीं से गोश्त ले आऊँ। औरत बोली,
ये गोश्त तो मेरा शोहर बगैर पैसों का लाया है, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से लाया है। अब तो बुढ़िया का शक यकीन में बदल गया। इसने जल्दी जल्दी गोश्त अपनी जबील में रखा और उसे बगल में दबाकर चलती बनी। जिस वक़्त बुढ़िया दरवाजे तक पहुंची, ऐन उसी वक़्त आदिल आ गया। इसने बुढ़िया की जंबील में गोश्त देखा तो सारा मामला समझ गया और बोला, अम्मा भी आप आइए, मैं आपको इससे ज़्यादा गोश्त देता हूँ और एक दिलचस्प कहानी भी सुनाता हूँ। बूढ़ी औरत आदिल की इस हमाकत और भोलेपन पर मुस्कराई और खुशी खुशी इसके पीछे तय खाने की तरफ चल दी। तय खाने में पहुँच कर आदिल ने बुढ़िया को मार कर तंदूर में फेंक दिया। वो जरा सी देर में जलकर राख हो गई। फिर बालाई मंजिल पर पहुंचकर आदिल ने बीवी को डांटा और एहतियात करने की ताकीद की। उधर जब सरदार ने बुढ़िया को भी गायब पाया तो मजीद मुश्तल हो गया। उसे इस आदमी की जुर्रत पर हैरत भी हुई। सरदार की बेटी बड़ी अकलमंद थी, इसने एक तरकीब सोची और अपने बाप को बताया, जिस पर उसका बाप राजी हो गया। अब सरदार की लड़की ने खूब हार सिंगार किया और शान और शौकत के साथ शहर के दौरे पर निकली। गलियों बाजारों में घूमती रही मगर इससे बात करने की जरूरत किसी को ना हुई। अचानक एक शख्स ने नहायत जरूरतमंदी से इसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। लड़की ने खुशी का इजहार करते हुए इसकी दाढ़ी में खुशबू लगा दी। दर हकीकत ये एक चाल थी। लड़की को अंदाजा था कि सरदार की बेटी से बात करने की जरूरत वही शख्स कर सकता है जो पहले बैल को ज़िबा करने और बुढ़िया को कत्ल करने जैसे काम कर चुका हो। इसने असल में जो खुशबू लगाई थी इसमें चूना मला हुआ था ताकि इसकी दाढ़ी मूछें चूने के असर से झट जाएं। फिर सरदार की बेटी इत्मीनान से लौट आई। अगले दिन मनादी करा दी गई कि जो शख्स बगैर दाढ़ी मूछों वाला मिले उसे पकड़ कर सरदार की खिदमत में हाजिर किया जाए। उड़ते उड़ते ये खबर आदिल तक भी जा पहुंची। वो अजान के बाद फौरन मस्जिद के पास मौजूद कुएं के करीब गया जिससे नमाजी वजू करते थे। इसने पानी में काफ़ी मकदार में चूना मिला दिया। जितने लोगों ने इस पानी से वजू किया सबकी दाढ़ी मूछें गायब हो गईं। जल्द ही सरदार के आदमियों ने बगैर दाढ़ी वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये क्या, एक के बाद एक, दो, तीन, चार, कितने ही बेदाढ़ी मूछों वाले लोग गिरफ्तार होते चले गए। हालांकि कातिल तो इनमें से एक ही शख्स हो सकता था। सरदार को जब पता चला कि इसका ये हरबा भी नाकाम रहा तो वो गुस्से के मारे अपने बाल नोचने लगा। बहुत गौर व फिक्र करने के बाद उसे एक और तरकीब सूझी। इसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि वो सरदार के खास सोने के सिक्के सड़क पर डाल दें जिन पर सरदार की खास निशानी हो। फिर छुपकर देखेंगे कि निशानी देखकर कौन शख्स इसे उठाने की जरूरत करता है। जो वो सिक्के उठाएगा वो ही कातिल होगा। अब उड़ते उड़ते ये खबर भी आदिल तक जा पहुंची। आदिल ने एक चलाकी की और अपने जूतों के तलवों में गूंद जैसी एक चिपकने वाली शय लगा दी और इस सड़क पर आकर बेफिक्री से टहलने लगा और झुककर सिक्कों को देखा तक नहीं ताकि सरदार के छुपे हुए कारिंदों को शुबा ना हो कि वो चोरी कर रहा है। और इसी टहलने के दौरान इसके जूतों से सिक्के चिमट गए जिन्हें घर जाकर आदिल ने अलहदा कर लिया। कुछ देर बाद जब कारिंदे वहां पहुंचे तो सिक्कों का नामो निशान तक ना था। वो हक्का बक्का रह गए और सरदार को बताया। उसे एक बार फिर शदीद गुस्सा आया। आखिरकार जब सरदार के तमाम हरबे नाकाम हो गए तो उसने इलाके में ऐलान करा दिया कि अगर चोर ने खुद को पेश कर दिया तो उसको इनाम से नवाजा जाएगा। दो तीन दिन बाद आदिल को जब यकीन हो गया कि सरदार अपने कॉल में सच्चा है और वो वादा खिलाफी नहीं करेगा तो सीधा इसके महल में जा पहुंचा। सरदार के सामने जब इसने खुद को पेश किया तो सरदार ये मानने पर तैयार ही ना हुआ कि ये दुबला पतला आदमी ऐसे बड़े काम कैसे अंजाम दे सकता है। बल्कि बादशाह बोला, अगर तुम सिर्फ बैल को ज़िबा करने का भी कहो तो मैं ना मानूं, क्योंकि एक मोटा ताज़ा बैल ज़िबा करना भी तुम्हारे जैसे के लिए नामुमकिन है। अब आदिल इसरार करने लगा कि मुजरिम मैं ही हूं, और इधर सरदार इनकार करने लगा कि तुम मुजरिम नहीं हो। इसी जिद बहस में सरदार ने कहा,
मैं तो तुम्हें बगैर किसी सबूत के सच्चा मानने वाला नहीं। अब सबूत देने के लिए तुम्हारा एक इम्तिहान होगा। अगर इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो सही, वरना जो झूठे की सजा वही तुम्हारी। आदिल ने कहा, ए सरदार, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। अब सरदार ने उसे बताया कि इन कबीलों में इसकी टक्कर का एक ही सरदार है जो इसका दुश्मन है। अगर ये अपनी बात में सच्चा है तो इस सरदार को यहाँ तक ले आए, चाहे जिंदा या मुर्दा। आदिल ने बड़े एतमाद से रजामंदी का इजहार किया और ज़रूरी सामान लेकर इस कबीले की बस्ती में जा पहुँचा। वहाँ जाकर एक घर किराए पर लिया और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए गौर फिक्र करने लगा। फिर इसने घूम फिर कर लोगों से मालूमात की तो पता चला कि सरदार अच्छे अच्छे खानों का रसिया है और उम्दा खाने खाना इसकी कमजोरी है। चुनाचा आदिल ने एक और शख्स के साथ मिलकर एक होटल खोल लिया और तरह तरह के उम्दा और खुश जायका खाने बनाने लगा। जल्द ही इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और आखिरकार सरदार तक भी पहुंच गई। सरदार ने भी एक दफ़ा इससे आजमाइशी तौर पर खाना पकवाकर खाया तो इसके जायके का गर्विदा हो गया और इसको अपना बावर्ची मुकर्रर कर लिया। लिहाजा जल्द ही आदिल ने अपने उम्दा खानों से सरदार के दिल में जगह बना ली। अब अगर महल में कोई सरदार का चहीता था तो आदिल था। इसने सरदार के मामूलात पर नज़र रखना शुरू कर दी कि वो कब खाता है, कब सोता है, कब उठता है, कब अकेला होता है और कब इसके घर वाले इसके साथ होते हैं। फिर एक रोज़ वो लोहार के पास गया और उसे एक ख़ास संदूक तैयार करने का आर्डर दे दिया। इसके बाद एक माहिर मसव्विर के पास गया और इससे कहा कि वो इसके लिए मुल्कुल मौत की ख्याली तस्वीर बना दे। जब वो तस्वीर तैयार हुई तो वो उसे लेकर बच्चों के खिलौने तैयार करने वाले एक माहिर के पास गया और उससे कहा कि इसके लिए इस तस्वीर के मुताबिक इसके नाप का लिबास बना दे। जब ये सब चीज़ें तैयार हो गई तो इसने एक रात चुपके से अपने कमरे में ये लिबास पहनकर मशक भी की। आखिर एक मुनासिब दिन आ ही गया। उस रोज़ सरदार अकेला था। आदिल ने सरदार की खिदमत में इसका पसंदीदा खाना और मशरूब पहुंचाया और उसके खाने से फारिग होने के बाद वो लिबास पहनकर इसके कमरे में जा पहुंचा। सरदार इस अजीबोगरीब खौफनाक हुलिये वाले शख्स को देखकर खौफजदा तो हुआ, मगर हिम्मत करके डांटा, कौन हो तुम? मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में कैसे दाखिल हो गए? आदिल ने गरजदार आवाज़ में कहा, मैं वो हूँ जो हर बड़े और छोटे के पास बगैर इजाज़त लिए बगैर वक़्त तय किए ही आता हूँ। मैं मुल्कुल मौत हूँ। अब जो सरदार ने इसके लिबास व सूरत को देखा तो इसकी बात पर यकीन कर बैठा और खौफ के मारे कांपने लगा। हाथ पैर बेजान हो गए, हरकत के काबिल ना रहे। गोया आदिल को उस वक़्त सरदार पर मुकम्मल गलबा हासिल हो गया। अब आदिल बोला, मुझे तुम पर बड़ा रहम आ रहा है। जाहिर है कि तुम कुछ वसीयत करना चाहते होगे, कुछ ख्वाहिशें मुकम्मल करना चाहते होगे, मुस्तकबिल के बारे में तुम्हारे जहन में कुछ मंसूबे भी होंगे जिनको तुम मरने से पहले मुकम्मल करना चाहोगे। ऐसा करो, तुम इस संदूक में लेट जाओ, मैं तुम्हें जिंदा हालत में ले चलता हूँ। फिर अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करूँगा कि तुम्हें कुछ मोहलत मिल जाए। सरदार को जब उम्मीद की एक किरण नजर आई तो इसकी जबान किसी कदर हरकत के काबिल हुई तो वो बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वापस जाओ और कुछ अरसे की मोहलत मुझे दुनिया में ही दे दो? आदिल ने फौरन तेवर बदल लिया और कहा, यह तो हरगिज नहीं हो सकता, हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। मुझे तुम्हें ऊपर लाने का हुक्म मिला है, अब चाहे तुम्हारी रूह लेकर जाऊं या रूह और जिस्म दोनों, अब तुम अच्छी तरह सोच लो। सरदार ने देखा कि अब कोई चारा नहीं है तो चुपचाप संदूक में जा लेटा। आदिल ने जल्दी से संदूक बंद किया और तेज तरीन सवारी पर रवाना हो गया। पहले सरदार के सामने जाकर संदूक रखा और बताया कि वो इस हरीफ को जिंदा सलामत ले आया है तो इसको यकीन ना आया। लेकिन जब संदूक खोलकर देखा तो कवि हैकल सरदार खौफ के मारे जर्द पड़ती रंगत में देखा। वो दरअसल यही समझ रहा था कि वो अल्लाह ताला के दरबार में पेश हो रहा है। जब पहले सरदार ने दूसरे को
इस हालत में खौफजदा भेड़ की तरह देखा तो हैरत के मारे इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने सबसे पहले सरदार को इज्जत और एहतराम से बिठाया। जब इसकी हालत बहाल हुई तो शर्मिंदगी से बोला, मेरा हकीकत में आपकी तोहिन करने का कोई इरादा ना था। मेरे मुंह से बे इरादा ये बात निकल गई, वो भी इसलिए कि मेरी नज़र में आदिल इस कदर मुश्किल काम कर ही नहीं सकता था। अब मुझे क्या खबर थी कि वो ये भी कर डालेगा। फिर इसने आदिल से पूछा कि वो इनाम में क्या लेना चाहता है, लेकिन आदिल ने फैसला सरदार पर छोड़ दिया। सरदार ने आदिल को अपना मुशीर खास बना लिया। उधर दोनों सरदारों के दरमियान सुलह और समझौते की कुछ शराइत तय पा गईं, जिन पर अगवा होने वाला सरदार इसलिए बखुशी राजी हो गया कि पहले सरदार ने एक तो इसका एहतराम किया था और दूसरा इसलिए भी कि आदिल शातिर इसका सरदार का मुशीर हो चुका था। लिहाजा अगर वो अहद की खिलाफवर्जी करने का इरादा भी करता तो इस शातिर आदिल के हरबों से कैसे बच सकता था। और यूं दोनों हरीफ सरदारों में इस अजीब सी मुलाकात के बाद दोस्ती हो गई और दोनों कबीलों के लोग अमनो चैन की जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। कहानियां किस्से देखने के लिए देखते रहें जीएन स्टोरी टीवी। शुक्रिया।